अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ रिलेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन। आज हम लोग उसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, हमारे पास व्हाट इज़ व्यू एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग व्यूज़। तो व्यू बेसिकली हमारे पास व्यू भी एक सिंपल अगर मैं कर दूँ तो ये भी और क्या होता है, व्यू इज़ आल्सो अ टेबल। जैसे रिलेशन को हमने कहा था कि रिलेशन इज़ अ टेबल, तो व्यू भी टेबल है। तो ये हमारे पास कैसा टेबल होता है कि ऐसा, मतलब हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स हैं उन टेबल में से हम लोग एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, मतलब उन्हीं टेबल्स का डाटा यूज़ करते हुए हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं। उस टेबल को क्या बोलते हैं, व्यू। व्यू बेसिकली हमारे पास होता है वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल क्या होता है, ऐसा टेबल जो डेटाबेस के अंदर एक्चुअली स्टोर नहीं है, बल्कि जो डेटाबेस में पहले से स्टोर टेबल्स हैं उन्हीं टेबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। उस टेबल को क्या बोलते हैं, वर्चुअल टेबल या व्यू। व्यू के हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, व्यूज़ आर रीड ओनली। मतलब व्यू के अंदर हमारे पास व्यू वाला जो टेबल है उसका डाटा रीड किया जा सकता है, उसे चेंज नहीं कर सकते। और यही बुनियादी मकसद होता है व्यू को इस्तेमाल करने का, के व्यू हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि इसका डाटा रीड किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपने डाटा किसी यूज़र को डिस्प्ले करना है, आप चाहते हैं कि वो यूज़र उस डाटा को देख सके, चेंज ना कर सके, तो आप क्या यूज़ करोगे, व्यू यूज़ करोगे। तो व्यू कैन डिस्प्ले डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। व्यू का हमें एक और बेनिफिट भी किया है कि एक या एक से ज़्यादा टेबल का डाटा सिंगल टेबल में प्रेजेंट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये दो टेबल्स हैं, इन दो टेबल्स को मर्ज करके इन दो टेबल्स का जो डाटा हमने किसी स्पेसिफिक यूज़र को दिखाना है वो दिखा देंगे। अब दो या दो से ज़्यादा टेबल को सिंगल में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होता है कि सिंगल टेबल को प्रोसेस करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसिंग मल्टीपल टेबल्स। तो हमें व्यू का एक और एडवांटेज क्या मिलता है कि मल्टीपल टेबल से डाटा सिंगल टेबल में डिस्प्ले किया जा सकता है और सिंगल टेबल के ऊपर क्वेरीज अप्लाई करना, उसको प्रोसेसिंग करना ईजी होता है। अब व्यू क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक लैंग्वेज, डेटाबेस की लैंग्वेज जिसे बोलते हैं SQL, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये लास्ट टाइम भी हम लोग पढ़ चुके हैं SQL क्या था, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और व्यू क्रिएट करने के लिए आप SQL की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर SQL के अंदर हमारे पास कमांड होती है क्रिएट व्यू, इसकी मदद से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब बुक में आपको इसकी एग्जांपल दी हुई है, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है। व्हाट इज़ अ व्यू, व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल दैट डिस्प्ले डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स एंड व्यू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑन डाटा, वी कैन रीड ओनली डाटा, वी कैन नॉट चेंज द कॉन्टेंट्स ऑफ अ व्यू। व्यू में हमारे पास कुछ कैलकुलेटेड डाटा भी हो सकता है, वर्चुअल टेबल है ना हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास कुछ ही कैलकुलेटेड डाटा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर टेबल के अंदर स्टोर है डेट ऑफ बर्थ और व्यू के अंदर हम लोग एज डिस्प्ले कर देते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ को इस्तेमाल करते हुए हमने कैलकुलेट कर ली एज, तो ये एज एक्चुअली स्टोर नहीं है हमने बल्कि कैलकुलेट की है। तो व्यूज़ के अंदर कुछ कैलकुलेटेड डाटा भी हो सकता है। उसके बाद पर्पज़ ऑफ यूजिंग व्यूज़, हम लोग व्यू इस्तेमाल क्यों करते हैं जब हमारे पास टेबल्स के अंदर ऑलरेडी डाटा मौजूद है, तो फिर हम लोग तो उसी टेबल को किसी और टेबल में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक पर्पस क्या होता है, व्यू हमारे पास रीड ओनली है, तो डाटा को सिक्योर रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं व्यू। मतलब अगर आपने डेटाबेस के ऊपर किसी यूज़र को एक्सेस देनी है और आपने एक्सेस रीड ओनली देनी है, आप चाहते हैं कि वो टेबल का डाटा देख तो सके लेकिन हमारा जो एक्चुअल डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर है टेबल के अंदर वो सेफ रहे, तो हम लोग उसके लिए व्यू यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़रा डायग्राम में देखें, मतलब हमारे पास टेबल है, लाइक दो टेबल्स हैं और इन्हीं दोनों टेबल्स को मर्ज करके हमने क्या क्रिएट कर लिया, व्यू। अब ये व्यू हम लोग एक यूज़र को दे देते हैं। अब ये यूज़र इस व्यू के थ्रू इन दोनों टेबल्स का डाटा देख रहे हैं, इसके सामने ये टेबल ही है ठीक है, लेकिन जो डाटा इन दोनों टेबल्स का सारा डाटा नहीं होगा, जो डाटा इसे चाहिए होगा स्पेसिफिक वही डिस्प्ले करेंगे। अब ये यूज़र इस व्यू को देख तो सकते हैं, मतलब डाटा रीड किया जा सकता है, इसको चेंज नहीं कर सकता।
तो हमारा एक्चुअल डाटा डेटाबेस के अंदर क्या रहेगा, सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। मतलब हादसाती तौर पर हमारा डाटा चेंज, अगर यूज़र करना भी चाहे तो हमारा डेटाबेस के अंदर चेंज नहीं हो रहा, व्यू हमारे पास रीड ओनली होते हैं। तो ये हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक रहता है व्हाट इज़ व्यू एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ व्यू। पर्पज़ में हमारे पास डाटा सिक्योरिटी का पॉइंट आपने याद रखना है। व्यू की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, वर्चुअल टेबल है दैट डिस्प्ले डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल एंड इट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। यहाँ पर हमारे पास दो तरह के कमांड्स हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन में क्या है, डाटाबेस का स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। डाटा मैनिपुलेशन में क्या करते हैं, जैसे टेबल है इसका स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो डाटा डेफिनेशन, और इसके अंदर जब हम लोग डाटा एंटर करते हैं तो डाटा मैनिपुलेशन। तो ये दो डिफरेंट ऑपरेशन हैं। एसक्यूएल वाला आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर नहीं है, ये बीएससी में कंप्लीट चैप्टर है, वहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये जस्ट दो शॉर्ट क्वेश्चन थे, व्हाट इज़ व्यू एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग व्यूज। अब हमारे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलेगा ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ की। तो की बेसिकली थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, की बोलते कैसे हैं एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। मतलब की बेसिकली कॉलम है, एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं। मतलब टेबल के अंदर हमने ये जो कॉलम्स थे, इन कॉलम्स को कहा था कि कॉलम को फील्ड बोलते हैं, कॉलम फील्ड को ही क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब उसी एट्रीब्यूट का एक नया नाम रख रहे हैं की, लेकिन ये की हमारे पास हर कॉलम को नहीं बोलेंगे। मतलब टेबल के अंदर हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है तो उसके अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सीएनएसई और क्लास, चार एट्रीब्यूट्स हैं। इन चारों को एट्रीब्यूट तो बोलेंगे, की नहीं बोलेंगे। तो की होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है? तो की के लिए बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आपने टेबल के अंदर डाटा स्टोर किया है, डाटाबेस के अंदर आपने किसी डाटा को फेच करना है, रीड करना है, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना है, किसी भी एंटिटी का रिकॉर्ड चेक करना है, किसी रो को आपने रीड करना है, तो आप किस कॉलम की बेस पे करते हैं वो कॉलम की में आएगा। मसलन मैंने स्टूडेंट है जिसका नेम अली है, उसका रिकॉर्ड चेक करना है। देखें अली इस नाम के कितने स्टूडेंट्स हैं, दो हैं और भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट का नेम ये इस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता। मतलब जब स्टूडेंट का डाटा देखना चाह रहे हैं तो अगर मैं कहता हूँ मुझे स्टूडेंट का नेम पता है, तो सिर्फ नेम के बेस पे हम लोग डाटा को यूनिकली टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो नेम है ये नॉन यूनिक होता है। एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नेम सेम हो सकता है। अगर मुझे स्टूडेंट की क्लास का पता है, जी ICS है, तो ICS में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। हाँ, मुझे अगर स्टूडेंट का CNIC पता है, हाँ CNIC हर स्टूडेंट का यूनिक है, CNIC या बे फॉर्म नंबर जो है ये स्टूडेंट का यूनिक होता है हमारे पास। तो अगर मुझे स्टूडेंट का CNIC पता है तो मैं स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। अगर मुझे स्टूडेंट की स्टूडेंट ID पता है फिर भी कर सकता हूँ। मुझे स्टूडेंट की ID पता है फिर भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस टेबल के अंदर मुझे दो कॉलम्स ऐसे मिले हैं जिनकी अगर मुझे वैल्यू पता हो, जैसे स्टूडेंट आईडी 1 है तो एक ही रिकॉर्ड है, 1 है, नेम अली है, ये उसका CNIC है, ये क्लास है। 1 हमारे पास एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हो रहा। हर स्टूडेंट की आईडी यूनिक है, स्टूडेंट का CNIC नंबर क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो हमारे पास टेबल के अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू यूनिक हो, जिनकी बेस पर आप टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, की। तो सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये CNIC सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंगल कॉलम है, SID सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंगल कॉलम है, इसकी बेस पर आप सर्च कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, मतलब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे स्टूडेंट की आईडी भी पता है, उसका क्लास का नेम भी पता है, ये दो पता है मुझे। मतलब स्टूडेंट आईडी भी मुझे पता है, स्टूडेंट आईडी 1 है, नेम और इसकी क्लास ICS है, मुझे दोनों चीज़ें पता है। मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड फाइंड कर सकता हूँ, तो उसका नेम अली है, उसका CNIC फ्लॉ नंबर है। तो की में हमारे पास एक या एक से ज़्यादा ऐसे एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू पे अगर सर्च की जाए तो सिंगल रो सिंगल रिकॉर्ड हमें मिलना चाहिए, उसे बोलेंगे की। मींस एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल इन अ रिलेशन इज नोन एज की। तो बेसिकली बेसिक डेफिनेशन है की की। तो ये जो डेफिनेशन कह रहे हैं ये एक्चुअली एडजस्ट नहीं है, ये हमारे पास लॉजिकल डेफिनेशन है। अब की हमारे पास जो टाइप्स हैं वो देखें। सबसे पहले हमारे पास आता है कैंडिडेट की।
कैंडिडेट की क्या है, इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ईच रो इन अ रिलेशन, मतलब एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं टेबल की रो को। यहाँ जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है आइडेंटिफाई करता है, सीएनएसी आइडेंटिफाई करता है, स्टूडेंट आईडी क्लास है ये आइडेंटिफाई करता है। लेकिन कैंडिडेट की के अंदर हमारे पास डेफिनेशन मेन पॉइंट क्या होता है, मिनिमम, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ईच रो इन अ रिलेशन, मतलब इस टेबल के अंदर कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो मिनिमम है, उसको फर्दर हम लोग मिनिमाइज कम नहीं कर सकते उस जिस और उसकी बेस पे जब सर्च करें टेबल की हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। जैसे मुझे सीएनएसी पता है ये हमारे पास मिनिमम है, सिर्फ सीएनएसी में एंटर करता हूँ तो उसका डाटा आ जाएगा। मुझे स्टूडेंट आईडी पता है तो ये मिनिमम है। अब आईडी और क्लास, अच्छा अगर मुझे स्टूडेंट की क्लास नहीं भी पता सिर्फ आईडी पता है तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी मिनिमम है, आईडी और क्लास यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है। तो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स निकालने के बाद वो जो मिनिमम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बच जाएगा जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टेबल की रो को, जिसकी बेस पर जब सर्च करें तो हम लोग यूनिकली उस रो को आइडेंटिफाई कर सकें, उसे क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की के अंदर हमारे पास कोई भी इजाफी एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है, जैसे इस टेबल के अंदर हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं सीएनएसी और स्टूडेंट आईडी, ये मिनिमम है। ये अगर मुझे पता हो तो मैं इस टेबल की किसी भी रो को आइडेंटिफाई करता, मैं मिसाल के तौर पर कहता स्टूडेंट आईडी 3 तो ये 3 का रिकॉर्ड मिल जाएगा, स्टूडेंट आईडी 2 तो 2 का रिकॉर्ड मिल जाएगा, या अगर मुझे सीएनएसी पता है तो उसका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। तो ये दो मिनिमम है। अब हमारे पास टेबल के अंदर सीएनएसी और स्टूडेंट आईडी, ये दो एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिसकी बेस पर टेबल की किसी भी रो को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ये कैंडिडेट हैं। अब एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मेरी मर्जी है मैं स्टूडेंट आईडी को इस टेबल का आइडेंटिफायर बना लूं या सीएनआईसी की बेस पर इस टेबल की रो को आइडेंटिफाई करूं। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो भी कैंडिडेट की में से एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लेगा उसे बोलेंगे प्राइमरी की। मीन्स दैट कैंडिडेट की दैट इज सेलेक्टेड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो कैंडिडेट की जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने सेलेक्ट की है इज नोन एज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होगी, कैंडिडेट में से जो डीबीए सेलेक्ट कर लेगा उसकी मर्जी है, कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट कर ले या सीएनएसी सेलेक्ट कर ले। लेकिन एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैंने स्टूडेंट आईडी सेलेक्ट कर ली क्योंकि ये हमारे पास 1-2 सिंगल डिजिट है या दो डिजिट है, सीएनएसी हमारे पास 14-15 डिजिट का है, ठीक है। तो मेरे लिए आईडी के बेस पर सर्च करना स्टूडेंट का डाटा इजी है। तो जो भी एट्रीब्यूट्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने सिलेक्ट कर ली है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी की। और डेटाबेस के अंदर जब आप प्राइमरी की स्पेसिफाई करते हैं तो उसके ऊपर 3 कंस्ट्रेंट्स अप्लाई होती हैं, 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद होने चाहिए अबाउट प्राइमरी की। नंबर 1 हमारे पास क्या है, देर इज ओनली 1 प्राइमरी की फॉर 1 रिलेशन, 1 टेबल, टेबल या रिलेशन, मतलब एक टेबल के अंदर प्राइमरी कीज की तादाद एक ही होगी, एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। अगर आपको वो कोई बंदा पूछ लेता है कि हाँ जी इस टेबल के अंदर 2 प्राइमरी कीज हैं, गलत होगा। प्राइमरी कीज एक टेबल के अंदर कितनी होगी, एक होगी, एक से ज़्यादा प्राइमरी कीज नहीं होगी। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, द वैल्यू इन द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, मीन्स देर कैन बी नो डुप्लीकेट वैल्यू, डुप्लीकेशन नहीं होगी। जैसे अब स्टूडेंट आईडी मैंने प्राइमरी की बना ली है तो प्राइमरी की के अंदर जो वैल्यू एंटर की है 1, 2, 3 ये यूनिक होगी, मतलब स्टूडेंट आईडी 1 दोबारा एंटर नहीं होगी। अगर आप प्राइमरी की डीबीएमएस को बता देते हो तो डीबीएमएस उसकी वैल्यू दोबारा एंटर नहीं करने देगा, आप दोबारा एंटर करेंगे सेम वैल्यू, डीबीएमएस आपको रोक लेगा, वो कहेगा कि ये हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ गई है। प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, यूनिक का कंस्ट्रेंट अप्लाई होता है प्राइमरी की के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, नॉट
नल, मतलब प्राइमरी की का डाटा एंटर करना लाजमी होता है, ये ऑप्शनल नहीं होता। मसलन ये मैंने एंटर किया है, मैं अगर स्टूडेंट की क्लास एंटर नहीं करता कोई मसला नहीं है, DBMS अलाउ कर देगा। लेकिन स्टूडेंट ID क्योंकि प्राइमरी की है, प्राइमरी की बेस पर सर्च करते हैं, तो स्टूडेंट बाकी डाटा एंटर किया है तो प्राइमरी की अगर आपने एंटर नहीं की तो DBMS आपको डाटा सेव करने की इजाज़त नहीं देगा। DBMS कहेगा प्राइमरी की इज मस्ट, ये लाजमी है, ये आप लाजमी एंटर करेंगे। नल का मतलब है डाटा प्रेजेंट ही नहीं है, नल का मतलब जीरो नहीं है, जीरो इज अ वैलिड वैल्यू, नल मीन्स देर इज नथिंग, कोई भी वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसका इसे क्या बोलते हैं नल। और प्राइमरी की नॉट नल मतलब प्राइमरी की के अंदर कोई ना कोई वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए, एक वैल्यू एक से ज़्यादा दफ़ा एंटर नहीं की जा सकती। ये तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं प्राइमरी की के बारे में। अगर आप प्राइमरी की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये बुक में ये तीनों लाइन्स लिखी हुई हैं, ये तीनों की तीनों लाइन्स आपने लिखनी होगी तो ये डेफिनेशन कम्प्लीट होगी। मीन्स ओनली वन, देर इज ओनली वन प्राइमरी की फॉर वन रिलेशन, द वैल्यू इन द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक एंड द प्राइमरी की एट्रीब्यूट कैन नॉट बी नल, नल नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास तीन पॉइंट्स थे प्राइमरी की के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिट प्राइमरी की, प्राइमरी की ही है कंपोजिट। कंपोजिट प्राइमरी की ऐसी प्राइमरी की होती है जो दो कॉलम्स को मिला के बने या दो से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के बने। मीन्स कंपोजिट का मतलब क्या है, इट कंजिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू एट्रीब्यूट्स, दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को मिला के प्राइमरी की जो बनेगी उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट प्राइमरी की। मिसाल के तौर पर मैंने स्टूडेंट ID और क्लास इन दोनों को मिला के प्राइमरी की बना दिया है, मतलब इस टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है पहली बात है टेबल के अंदर वो, उसके नीचे आपने लाइन लगा देनी है। जैसे यहाँ पर इसके नीचे लाइन है, इट मीन्स स्टूडेंट ID से प्राइमरी की, इसके नीचे भी लाइन है तो इसका मतलब ये भी प्राइमरी की है। इसका मतलब ये नहीं है कि दो प्राइमरी कीज हैं, प्राइमरी की एक ही होती है। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल प्राइमरी की दो कॉलम्स को मिला के बनी है। तो ऐसे टेबल के अगर आपको किसी टेबल के अंदर दो कॉलम्स के नीचे लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्राइमरी की है दो कॉलम्स को मिला के बनी है। तो ऐसी प्राइमरी की को बोलते हैं कंपोजिट प्राइमरी की या कॉन्कैटिनेट की। मीन्स आप प्राइमरी की दैट कंजिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट प्राइमरी की और कॉन्कैटिनेट की। अच्छा सिंपल है। उसके बाद हमारे पास कंपोजिट प्राइमरी की के बाद अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या है, मिसाल के तौर पे कैंडिडेट की हमारे पास क्या थी, ये थी कैंडिडेट की CNIC और स्टूडेंट ID, और CNIC और स्टूडेंट ID में से डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने स्टूडेंट ID को चूज़ कर लिया एज अ प्राइमरी की। स्टूडेंट ID क्या बना ली उसने, प्राइमरी की। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की इज नॉन एज प्राइमरी की एंड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। ये जो सेलेक्ट हो गई है ये प्राइमरी है, CNIC भी बन सकता था, CNIC सेलेक्ट नहीं हुआ दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट की। अल्टरनेट की मीन्स सेलेक्टेड कैंडिडेट की इज कॉल्ड प्राइमरी की। मीन्स द कैंडिडेट की दैट इज सेलेक्टेड बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉन एज प्राइमरी की, एंड कैंडिडेट की दैट इज नॉट सेलेक्टेड बाई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉन एज अल्टरनेट की। मतलब जो कैंडिडेट की सिलेक्ट नहीं हुई वो अल्टरनेट है, जो सिलेक्ट हो गई है वो प्राइमरी है। ये सिंपल दोनों का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉरन की। हाँ जी, फॉरन की डेटाबेस के अंदर दो टेबल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले टेबल के अंदर प्राइमरी की क्या है, स्टूडेंट ID है, और दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की है रिजल्ट ID। ये रिजल्ट का टेबल है, इसकी प्राइमरी की मैंने दे दी है रिजल्ट ID। अच्छा, अब स्टूडेंट का रिजल्ट है तो उसके ऊपर ये सारा डाटा होता है ना, स्टूडेंट का नेम, क्लास, स्टूडेंट ID, सब्जेक्ट, उसके टोटल मार्क्स, उसके ऑब्टेन मार्क्स और रिजल्ट ID, ये हर स्टूडेंट के रिजल्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये सारा डाटा रिजल्ट कार्ड के ऊपर होता है हमारे पास। अब जब हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस में कहा था, देर इज़ नो रिडंडेंसी, रिडंडेंसी इज़ कंट्रोल्ड, मतलब सेम डाटा मल्टीपल टाइम स्टोर नहीं किया जा सकता, एक ही दफ़ा स्टोर करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखें, स्टूडेंट ID, नेम, क्लास स्टूडेंट टेबल के अंदर भी है, रिजल्ट टेबल के अंदर भी है, दो दफ़ा नहीं आ गए। तो एक टेबल के अंदर जब डाटा स्टोर कर लिया है, दूसरे के अंदर आपको चाहिए तो दोबारा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर।
ये हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था। यहाँ मैंने ये स्टूडेंट नेम, क्लास, स्टूडेंट आईडी, ये दोबारा से सॉर्ट किए हैं। तो अब इसका सलूशन क्या है, मतलब दोबारा यहाँ पे हमें रिजल्ट कार्ड के ऊपर स्टूडेंट का डाटा तो चाहिए, तो सलूशन क्या है? अगर आपको किसी टेबल के अंदर किसी दूसरे टेबल का डाटा यूज़ करना है, जैसे रिजल्ट टेबल के अंदर स्टूडेंट की आईडी, क्लास, स्टूडेंट नेम, ये तीन चीज़ें इस टेबल की चाहिए थी यहाँ पे, तो दोबारा से आप उसके कॉलम नहीं बनाएंगे, मतलब रिडंडेंसी हमने नहीं करनी, ये तो फिर वही हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग की सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको किसी दूसरे टेबल का डाटा चाहिए, जिस टेबल के अंदर चाहिए, वहाँ पर उस टेबल की प्राइमरी की वाला कॉलम लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। मसलन इस टेबल के अंदर स्टूडेंट का डाटा चाहिए, तो इस टेबल की प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है, तो हम लोग सिर्फ आईडी वाला कॉलम लेंगे, बाकी कोई कॉलम नहीं लेंगे। मसलन स्टूडेंट आईडी हमारे पास है 1 है, सब्जेक्ट हमारे पास है इंग्लिश, टोटल मार्क्स 100 है, ऑब्टेन मार्क्स 90 है, रिजल्ट आईडी 1 है, स्टूडेंट आईडी 1 है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स 100 मार्क्स 99, रिजल्ट आईडी 2, स्टूडेंट आईडी 1 कंप्यूटर साइंस 70, रिजल्ट आईडी 3, स्टूडेंट आईडी 2 है इंग्लिश है, इसी तरह से 100 मार्क्स 93, रिजल्ट आईडी 4। अब यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ किस स्टूडेंट का रिजल्ट है उसकी आईडी स्टोर की है, उसका नेम क्लास नहीं किया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टोर है। जैसे स्टूडेंट आईडी 1 है तो उसका नेम ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर है, उसकी क्लास भी स्टोर है। तो ये जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, ये इस टेबल की प्राइमरी की है, ये स्टूडेंट आईडी इस टेबल की क्या है, प्राइमरी की है। जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, वहां पे वो क्या बन जाती है, हेयर इट इज नोन एज फॉरेन की। फॉरेन की क्या है कि अगर आपको एक टेबल का डाटा दूसरे में चाहिए, तो उस टेबल के अंदर सारे कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, जिस टेबल का चाहिए जैसे उसकी प्राइमरी की एज अ रेफरेंस ले ले, तो उस प्राइमरी की वैल्यू जैसे 1 है, तो 1 इस टेबल के अंदर आके हमें उसका सारा डाटा मिल जाएगा, डाटा बार बार स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी इस टेबल के अंदर प्राइमरी की है, और दूसरे टेबल के अंदर जहाँ पर ये रेफरेंस यूज़ हुई है, वहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, फॉरेन की, और जहाँ पर फॉरेन की है उसे चाइल्ड टेबल बोलते हैं, और जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की होती है उसे क्या बोलते हैं, पेरेंट टेबल। और पेरेंट और चाइल्ड का इस तरह से हमारे पास रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, 1-to-many रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, फॉरेन की क्या, इसे एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट हो सकता है या एक से ज़्यादा, फिलहाल यहाँ पे एक है, जिसकी वैल्यू किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की के साथ मैच हो रही है, उस वैल्यू मैच द प्राइमरी की एट्रीब्यूट इन सम अदर रिलेशन, इसे क्या बोलेंगे, फॉरेन की। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की हमारे पास होती है नॉन यूनिक। सेकेंडरी की इज़ अ नॉन यूनिक एट्रीब्यूट, मतलब बाज़ूकात आपने किसी का डाटा सर्च करना है, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, प्राइमरी की है, सीएनआईसी ये कैंडिडेट है, इन दोनों में से किसी भी बेस पे सर्च करेंगे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने किसी स्टूडेंट का डाटा देखना है, मुझे स्टूडेंट का ना ही उसकी आईडी पता है, ना उसका सीएनआईसी पता है, तो अब मुझे उसकी क्लास का पता है, मुझे पता है कि वो आईसीएस का स्टूडेंट है, तो मैं जब आईसीएस पे सर्च करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये जो हमारे पास इस केस में क्लास है, जो एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को रेफर कर रहे हैं, करने वाला कॉलम है, तो यहाँ पर क्लास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी की। प्राइमरी मतलब यूनिक है, एग्जैक्टली सिंगल डोर आइडेंटिफाई करके, सेकेंडरी मतलब प्राइमरी एट्रीब्यूट तो आपको पता ही नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन के तौर पर आपके पास जो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है वो नॉन यूनिक है, उसकी बेस पर जब सर्च करेंगे तो एक से ज़्यादा रोज आ जाएंगी, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी की। मीन्स वन वैल्यू ऑफ सेकेंडरी की एट्रीब्यूट मे रेफर टू वन और मैनी रोज इन अ टेबल। मिसाल के तौर पर एड्रेस है, यहाँ पर अगर सिटी है, तो अगर हमने देखना है कि मियाँ चलो सिटी से कितने स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएंगे, तो इस केस में मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ मियाँ चलो रेफर करते करेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पर सेकेंडरी की। नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्ट की। सॉर्ट की डाटा सॉर्टिंग के लिए, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सॉर्ट करते हैं डाटा को, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिस कॉलम के लिहाज से आप सॉर्ट करते हैं उसे क्या बोलेंगे, सॉर्ट की, ठीक हो गया। तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं। मसलन आप स्टूडेंट्स का डाटा बाय नेम अरेंज कर लेते हैं कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है पहले आ जाए, ठीक है, या स्टूडेंट के मार्क्स के लिहाज से कर लेते हैं, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो पहले आ जाए, तो यहाँ पर मार्क्स है या नेम है, ये क्या कहलाएगा, सॉर्ट की।
तो आज वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपने करना है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट, एमसीक्यूज, हर हवाले से क्वेश्चन आएगा और आईसीएस में भी आएगा, ये नेक्स्ट मास्टर लेवल तक क्वेश्चन जाता है, तो इसको अच्छी तरह करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।